अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फाइनली मोबाइल फोन्स की कीमतों में कुछ कमी नजर आ रही है। कल के दिन में टेक्नो, इन्फिनिक्स और शाओमी ने अपने काफी सारे फोन्स की कीमतें काफी हद तक कम की हैं। किस किस फोन की कितनी कितनी कीमत कम की गई है ये आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। काफी सारे लोग मिसकंसेप्शन में है कि LCs ओपन हो गई है, रेगुलेटरी ड्यूटी कम हुई है, इसी वजह से प्राइसेस कम हो रही है। असल रीजन क्या है आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आप सुन लें किस किस मॉडल की क्या क्या प्राइस पहले थी और अब क्या प्राइस चेंज की गई है। टेक्नो की तरफ से चार स्मार्टफोन्स हैं इस लिस्ट के अंदर। टेक्नो पॉप 5 LTE, ये 2GB 32GB वाला वेरिएंट पहले हुआ करता था 33,000 रुपए का और अब इसकी कीमत है 25,000 रुपए, 7,000 रुपए का इसके अंदर आपको प्राइस डिक्रीज मिल रहा है। टेक्नो पोवा नियो 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी पहले कीमत होती थी तकरीबन 44,000 रुपीज और अब इसकी कीमत है 35,000 रुपए, यानी कि इसके अंदर आपको 9,000 रुपए का प्राइस डिक्रीज मिल रहा है। उसके बाद टेक्नो ने स्पार्क 8C की कीमत भी कम की है और इसकी कीमत कम होनी चाहिए थी, काफी अच्छा फोन था जब ये आया था और इसकी कीमत चल रही थी मार्केट में तकरीबन 44,000 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा थी। और ये 128GB 4GB वाला वेरिएंट था और इसकी अब कीमत की गई है 37,000 रुपए, 7,000 रुपए का इसके अंदर आपको प्राइस डिक्रीज मिल रहा है। आप सबका फेवरेट स्मार्टफोन टेक्नो कैमन 19 नियो 6GB 128GB में ये मोबाइल फोन भाई पहले सेल हो रहा था तकरीबन 58,000 रुपीज की प्राइस के अंदर और अब इसके अंदर 13,000 रुपए की कमी की गई है और अब आपको ये फोन मिलेगा 45,000 रुपए का। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से दो स्मार्टफोन्स हैं काफी हॉट सेलिंग फोन्स जिनकी कीमतें कम गई हैं। पहले नंबर पे है Infinix Note 12, 8GB RAM, 128GB ROM वाला और इसकी कीमत कम की गई है भाई। ये मोबाइल फोन मार्केट में सेल हो रहा था 64,000 रुपए का और अब इसकी कीमत कर दी गई ही है 55,000 रुपए, यानी कि इसके अंदर 9,000 रुपए का प्राइस डिक्रीज मिल रहा है। और Infinix Note 12 G96 इटसेल्फ काफी अच्छा स्मार्टफोन था, मैंने खुद इसको यूज किया है। उसके बाद Infinix Hot 12 बहुत ज्यादा सेल हुआ, ये फोन काफी अच्छा था गेमर्स के लिए भी और इसकी जो प्राइस थी पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 54,000 रुपए और अब इसकी कीमत कर दी गई है तकरीबन 45,000 रुपए, इसके अंदर भी 9,000 रुपए का प्राइस डिक्रीज मिल रहा है। और Redmi की तरफ से आने वाला Redmi A1 Plus, इसकी भी कीमत कम की गई है भाई। Redmi A1 Plus में 2GB RAM 32GB की स्टोरेज वाला फोन पहले आता था 30,000 रुपए का और अब इसको 27,000 का कर दिया गया है और इसी के अंदर 3GB RAM 32GB की स्टोरेज वाला फोन पहले आता था 33,000 का और अब उसको 30,000 रुपए का कर दिया है। सो इसके अंदर भी 3,000 रुपए की कमी आपको नजर आ रही है। अब भाई ये है कुछ ब्रांड्स जिन्होंने अभी तक प्राइसेस कम की हैं और उम्मीद है बाकी ब्रांड्स भी इस कंपटीशन के अंदर आके प्राइसेस कम करेंगे। अब असल रीज़न क्या है कीमतों को कम करने का, भाई LCs ओपन नहीं हुई, ना ही कोई टैक्स की कमी की वजह से कम की गई हैं कीमतें, बल्कि असल वजह ये है कि डीलर्स के पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ था और वो सेल नहीं हो रहा था। लोगों ने बिल्कुल स्मार्टफोन्स खरीदने बंद कर दिए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा कीमतें हैं और जनरली कोई बंदा इस कीमत में ये बेसिक मिड रेंज स्मार्टफोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उम्मीद है बाकी ब्रांड्स भी इनको देखकर कंपटीशन के अंदर कीमतों को कम करेंगे। और भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।